प्रकृति व प्रशासन दोनों की मार झेलने को मजबूर है अन्नदाता। जिले में गेहूं खरीदी को लेकर शासन एवं प्रशासन स्तर पर किसानों को अनेकों सुविधाएं मुहैया कराने के दावे भले किए जा रहे हों, लेकिन इसका लाभ सही माने में किसानों को मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको बता दें कि जिले में गेहूं खरीदी को लेकर भले ही प्रशासन स्तर पर किसानों को अनेकों सुविधाएं मुहैया कराने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ किसानों को मिलता नहीं दिखाई देता। गेहूं खरीदी को लेकर प्रशासन स्तर पर जारी किए गए निर्देशों का पालन खरीदी केंद्रों में तैनात अधिकारी कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है और लगातार इनकी मनमानी व उदासीनता देखी जा रही है, जिसका दंश अन्नदाता को लगातार भुगतना पड़ रहा है। ये हाल है गेहूं खरीदी केंद्रों का, जहां अपने खून पसीने की कमाई की बिक्री करने पहुंचे किसानों को अनेकों समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसका खामियाजा लगातार अन्नदाता को भुगतना पड़ रहा है। जबकि गेहूं खरीदी को लेकर प्रशासन द्वारा अनेकों व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ऐसा दावा किया जाता है। किसान लगातार जहां प्रकृति की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की लाचारी का भी शिकार हो रहा है। गेहूं खरीदी केंद्रों में तैनात कर्मचारी शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन अन्नदाता को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन दिनों असमय बारिश और आंधी तूफान की वजह से खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे किसानों की फसल समय पर खरीदी नहीं होने से खराब हो रही है। इस दिशा में जिम्मेदार अधिकारी कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, जबकि प्रशासन का सख्त निर्देश था कि खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की समस्याएं न झेलनी पड़े और आसानी से गेहूं खरीदी का कार्य संपन्न हो। बावजूद इसके खरीदी केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों की उदासीनता और मनमानी के चलते किसानों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान किसानों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि खरीदी केंद्र में पर्याप्त मात्रा में वारदाने उपलब्ध न होने की वजह से काफी समस्याएं हो रही हैं। वहीं बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि ने भी ये परेशानी और बढ़ा दी है। प्रस्तुत है झलकी सहित किसानों से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? रजनीश मिश्रा। कहाँ? ये चुराटा। कितने दिन से है? ये 4 दिन से है भैया। आपका गल्ला तो भींग भींग रहा है। हाँ, भींग रहा, क्या करें, बैठे हैं। क्या खरीद रहे हैं, बोल रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं, बोरा नहीं, 4 दिन से है। बस वही दिक्कत है। रात में बारिश हुई है? रात में बारिश हुई भैया। क्या हुआ? हो गया, देख सामने देख लीजिए, गेहूँ भींग रहा। क्या मतलब शासन की ये लापरवाही चल रही है कि बोरा नहीं है और गेहूँ भींग रहा? बिल्कुल भैया। क्या नाम है आपका? आशीष जी। कहाँ से रहे? चौहटा। क्या ये यहाँ परेशानी है? परेशानी गेहूँ ही तो रहा, 3-4 दिन ट्रैक्टर खाए भीग रहा है। अब यही परेशानी है ना, जो खरीदा होगा वो भी भींग रहा है। किस कारण से? बोझना पाप जाना है ना कुछ है, किस कारण से भींग रहा है? खाने पीने की व्यवस्था? खाना पीने की, हाँ, सब कुछ बंद है, चाय तक मिलती नहीं, खाना पीना कहाँ मिल पाएगा? चाय कैंटीन तो चालू हो गई सर। कैंटीन क्या चालू, कैंटीन में कुछ नहीं मिलता।